मोदी मोदी मोदी, भारतीय जनता पार्टी का जो परचम गुजरात में और हिमाचल में लहराया है, आज उसी के उपलक्ष में जो है सफदरजंग हॉस्पिटल के बाहर एक भोजन वितरण का कार्यक्रम रखा गया था मरीज और उनके परिजनों के लिए। दीपक तनवर जी इसके संयोजक हैं, आयोजक हैं। आइए जानते हैं दीपक जी कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई है उसके उपलक्ष्य में आपने ये भोजन रखा था, तो ये आज जो ओकेशन था, ये जो जीत थी उसकी खुशी कैसे मना? एक दो लाइनें बड़ी अच्छी याद आ रही है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। मोदी जी की टक्कर में इस समय कोई नहीं है पूरे विश्व में। आज जब चुनाव गुजरात में हो रहे थे तो अमेरिका से लेकर पाकिस्तान सब जगह पे न्यूज़ों को देखा जा रहा था कि क्या हो रहा है। पूरे दुनिया ने मोदी जी का लोहा मान लिया है, कार्यकर्ता पूरे देश का बहुत उत्साहित है। उसी की खुशी में आज सफदरजंग हॉस्पिटल के बाहर हमने ये भोजन वितरण का कार्यक्रम रखा था, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें यही हमेशा कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि जन सेवा नर सेवा, यही सेवा भाव से कार्यकर्ताओं को काम करते रहना चाहिए। और उन्हीं के बताए हुए आदेश अनुसार पंडित दीनदयाल अंत्योदय के अंतर्गत भी हम लोग भोजन वितरण का आज यहाँ आयोजन किया था। सर, ये जो भोजन वितरण है, आप मैंने सुना है कि ये 6 महीने से पिछले जो है ये कर रहे हैं, तो आप इस भोजन वितरण को किसी और राज्य में भी कर रहे हैं? पूरे देश भर में भोजन वितरण किया जा रहा है, जरूरतमंदों को हर तरीके से मदद की जा रही है। नरेंद्र मोदी जी का एक ही संदेश है, किसी की भी किसी भी तरीके से मदद हो, कार्यकर्ता उसके घर पे उसके दर पे पहुँचे और उसकी मदद के लिए हमेशा खड़ा रहे। आज यही कहना चाहेंगे हम, इससे कुछ नहीं कहेंगे। हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी। आपने देखा, ये थे हमारे दीपक तनवर जी, साथ में हमारे एक टी सीरीज से हमारी एक बहन भी आई हुई है, वो सिंगर हैं, भजन गायिका हैं, तो आज वो दीपक जी को निमंत्रण देने आई हैं। आप बताइए बहन जी, किस निमंत्रण किस बात का देने आई हैं आप? मेरा यहाँ पे 30 तारीख जेवली खानपुर में जागरण है, तो मैं भैया से अब बोलने आई हूँ कि हमारे जागरण में ज़रूर आएँ। देवली खानपुर। तो आज ये देवली खानपुर में जो 1-30 तारीख को जो प्रोग्राम है उसका निमंत्रण देने आई हैं, साथ में हमारे और भी साथी हैं। तो भैया, आज जो भोजन आपने यहाँ पे जो वितरण किया है, तो उसका कुछ उद्देश्य बताइए कुछ। ये हमारे दीपक भैया ने ये मुहिम छेड़ी है मोदी के सहयोग से, और मैं ये चाहता हूँ कि सब इसमें भागीदारी बने। तो संजय जी, ये जो भोजन जो आज यहाँ पे वितरण हुआ है, इसमें स्पेशलिटी क्या थी, मतलब इसमें क्या क्या बांटा गया? मतलब ये तो मैं देखता हूँ कि एवरी ट्यूजडे को जो भोजन वितरण का कार्यक्रम होता है, इसमें बहुत ही डिफरेंट टाइप के डिशेस के तौर पे बांटे जाते हैं, और ये जो गरीब और यहाँ की जो पब्लिक है काफ़ी उत्साहित होती है ट्यूजडे को इस भोजन के लिए। और मैं चाहूँगा कि ये टीम जो है हमारी दीपक भाई की टीम और इनके साथ जितने भी सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो बहुत ही सराहनीय कदम ये उठाया गया है, और ये पूरे देश में इन लोगों के सहयोग से किया जा रहा है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। तो जैसे कि सराहना करता हूं, जैसे कि आप देख सकते हैं सफदरजंग हॉस्पिटल के बाहर जो है मरीज और उनके परिजनों को जो है यहाँ पे भोजन बांटा जाता है, भोजन वितरण किया जाता है। पिछले 6 महीने से यहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, दीपक तनवर जी की टीम है, दीपक तनवर जी के नेतृत्व में यहाँ पे भोजन बांटा जाता है, फल रखे जाते हैं, पानी रखा जाता है, और आपका ये चावल होते हैं, खिचड़ी होती है, राष्ट्रीय व्यंजन खिचड़ी को भी यहाँ रखा जाता है। कैमरामैन जगदीश के साथ मैं नवल हंस, सफदरजंग हॉस्पिटल।